हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। और अभी हमारा सीन ये है कि मेघा ने क्रेट्स निकालनी शुरू कर दी है वहाँ से। फिनिशिंग कैसी आई इनमें? ठीक आई? जादू कर दिया हमारे हाथों ने तो है। और अभी इनमें हम मिट्टी भरना शुरू करते हैं। कई क्रेट्स ना हमारे पे इस तरह की है, तो इसमें हमें साइड में ना पन्नियाँ भी लगानी पड़ेंगी। और जैसे हमारी ये वाली क्रेट्स हैं, इसमें तो हम डायरेक्ट डाल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई लीकेज मिट्टी निकलेंगी नहीं। अभी वैसे थोड़ी सी गीला है पेंट, मेरे हाथ में दोबारा लग गया। मेरे भी बट हाथ ना बहुत ख़राब हो गए कल पेंट करके, पूरा स्किन सी निकलने लग गई। कोई ना, इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। तो कुछ भी चिराग। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो मिट्टी हमारे पास इतनी है, थोड़ी सी मिट्टी हम नीचे से और ले आएंगे। अभी ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा साफ होएगा। तो फिर आज मौसम बढ़िया है, धूप नहीं है अभी, और फटाफट काम निपटा लेते हैं। ह्यूमिडिटी फटाफट तो नहीं निपटेगा, ये 3-4 दिन का और काम है। चलो जितना भी निपटता है अभी हम शुरू करते हैं, तो तभी निपटेगा। चले फिर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम ये स्पेस क्लियर अप कर रहे हैं, थोड़ा हम आइडिया ले रहे हैं कि ये क्रेट्स यहाँ पे कितनी आ सकती है। और अभी फ़िलहाल जो यहाँ पड़े थे हमने वहाँ रख दिए हैं, उसके लिए भी हम पूरा एक प्रॉपर सोचते हैं अभी। ये तो निकालनी है। हाँ जी, बताओ तो। हाँ, मेरे सुपरविजन में आज काम हो रहा है। मैं बैठा हूँ आज आराम से चेयर पे। वो ले आओ पटरा। और मेघा को पटरा चाहिए, जल्दी करो भाई। मिट्टी तो सच में कम पड़ेगी चिराग। ऐसे ना बोलो यार, मिट्टी कम पड़ेगी, मिट्टी तो लानी पड़ेगी। आज मौसम बहुत बढ़िया है और पीछे इतना प्यारा सनसेट हो रहा है, अभी दिखाती हूँ। चिराग जी भी आ गए। दो ही लाए बस? दो ही हाथ है मेरे, दो ही लाए बस। बड़ी बड़ी जोड़ी है इसकी। तभी तो भाई एक ही। हाँ यार, ये फैलेगी भी तो ना। बहुत फैलेगी ये। तो जी हमारा पहला प्लांट। चलो ये तो अभी हम धोएं, साफ भी करेंगे ना, अभी तो ऐसे ही रख के देख लिया बस। पीछे इतनी मेहनत करवाते हैं ना चिराग, क्या बताएं। कल की दिहाड़ी नहीं दिया हमने मैडम। चलो ऐसा नहीं चलेगा, मजदूर की दिहाड़ी उसका पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए। और जो मेरे पसीने छूट रहे हैं गर्मी से। तो मालकिन हो, मालकिन सुपरविजन के लिए तो बैठता ही है। कैसे कैसे डायलॉग्स मारते हैं ना ये, मुझे समझ नहीं आता इन डायलॉग्स का मैं क्या जवाब दूँ। आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए कोई तगड़ा सा जवाब ऐसे डायलॉग्स पे, फिल्मी डायलॉग्स। अब दूसरी क्रेट की फिर से शुरुआत मेगा करते हुए, देखते हैं। अब मालकिन को लगा दिया काम पे हैं, अब देखते हैं कि मालकिन को लगा दिया काम पे। मेरे को बोलने दो, देखते हैं कि ये वाली क्रेट भी मेगा कंप्लीट करेगी या बीच में मेरे को फिर जाना पड़ेगा जैसे मैं पिछली क्रेट में गया। मैंने नहीं बुलाया, आप खुद अपनी मर्जी से आए। ओहो, ऑन कैमरा नहीं है तो मैंने नहीं बुलाया। चलो देखते हैं भर पाएंगी कि नहीं। तैयार, ये थोड़ा भरा भरा सा है, ये थोड़ा भी ना पीला सा है, बट चलो बढ़िया से अब चल जाएगा, तो नीचे से ये भी फैल जाएगा। बट ना एक गलती हो गई, हमें लगा अंदर से नहीं दिखेगा, बट मिट्टी तो हमने यहीं तक भरनी है, पूरी ऊपर तक तो नहीं, क्योंकि ये फिर पकड़ने के लिए ये भी चाहिए होता है। और हमने ना ये नीला मतलब इसमें अंदर की तरफ से हमने पेंट नहीं किया, और अब ऐसे देखो तो बुरा लग रहा है। तो इसमें ना फिर है बचा हुआ चिराग, वो पेंट बचा है ना, पक्का ना पेंट है। हाँ चलो पेंट बचा है, तो अब नहीं सीरियस है, इसमें हल्का हल्का सा बस डैम डैम सा कर देंगे, बस ये नीला नीला ना दिखे। और ये हमारी शुरुआत हो चुकी है टेरेस गार्डन की, पता नहीं साइज तो ना। जब तक चिराग वो क्रेट्स पे साइड पे पन्नी लगा रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा सा अपना मेडिटेशन कर लूँ। ये ठीक है, काम के टाइम पे क्रेट ले गया अच्छे से, मेडिटेशन सब काम मैंने करने हैं। एक बार ये टेरेस गार्डन रेडी हो जाएगा ना, फिर बस हम यहीं रहेंगे,
टेरेस पे ही। यही वो खाट बिछा देनी है, एक वो मस्किटो नेट लगा देंगे और यहीं पे ही। बस अभी अंधेरा हो चुका है, लेट हो गया हमें। बस अभी पूरा तो होगा नहीं, बाकी हम सोच रहे हैं सुबह को जितना हो सके निपटाएं। इस वाली क्रेट में हम दो रखेंगे ना? हाँ, क्योंकि ये छोटे हैं। ये वो वाले हैं जो मैं सुंदर वाले लेके आई थी, येलो लीव्स। बिल्कुल कॉर्नर पे लगाऊं कि बीच में? नहीं नहीं, थोड़ा सा बीच में, मिट्टी के लिए होगा ना। बस हाँ, ठीक है, नाइस। तो अभी 8 बज चुके हैं और अभी हमने 4 क्रेट्स तैयार कर लिए हैं। 6 पेड़ लगाए हैं, मतलब 6 पेड़, 1, 2, 6। हाँ, मैथ कमजोर है तुम्हारी है। तो ये यहाँ हमारे 4 क्रेट्स लग चुकी है। अब सुबह मिलते हैं आपसे, थोड़ा बहुत जो बचा है काम वो करते हैं। तो हमें डाउट है कि शायद कल भी पूरा ना हो, अभी 2-3 दिन इस जगह को तैयार होने में लगेंगे। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं कल सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते। सुबह के बज रहे हैं 7, बड़ी मुश्किल से उठे हैं, पैरों में दोनों के दर्द हो रहे हैं बहुत, मेरे तो हाथों में भी हो रहा है, कल कुछ ज्यादा ही ढो लिया, यहाँ जैसे भी दर्द हो रहा है। एनर्जी नहीं है बिल्कुल ना काम करने की आज, बट आज किसी तरह ना ये खत्म करना है। सुबह सुबह ना यहाँ पंछी इतने ज्यादा ना, खास तौर पे पैरट्स दिख रहे हैं, तोता और मैना, और इतनी आवाज अच्छी लग रही है ना। कल हमने यहाँ 4 ये क्रेट्स तैयार कर ली थी, अभी 2 और पड़ी है, और हमें कितनी 8 बजी थी ना, 2 हमें और पेंट करनी पड़ेगी। छः क्रेट्स हमें और तैयार करनी पड़ेगी, सुन के ही ऐसा लग रहा है। तो चलो अभी ये कंप्लीट करते हैं, थोड़ी अभी सफाई करते हैं नीचे, बहुत ही अभी मिट्टी मिट्टी हो रही है। ये देखिए, हमने वो लगाई थी ना तो भिंडी लग चुकी है, बट लेकिन ये खाली एक भिंडी का हम क्या करेंगे, आज बनेगा इसका स्पेशल अचार। भिंडी का अचार, एक ये रही। चलो, हमने कुछ लगाई तो उसकी तो हमें मिलेगा रिवॉर्ड, दो भिंडी। एक ये भी है बट ये पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है, दो ही भिंडी होगी, एक तुम्हारी एक मेरी। ये भी है थोड़ा सा और अब क्लीन अप सा एरिया लग रहा है। यहाँ पे 2 पाम आ जाएंगे बीच में, ये एक क्रेट वैसे मैंने भरी है, मैंने मना करा। हाँ, 6 में से एक भर दी तो क्या हो गया, जिंदा है ना? जिंदा हूँ यार, काफी है, बहुत जरूरी होते हैं ना ये प्लांट्स के लिए। यस, जाओ जी केचुआ जी, डू योर वर्क। ध्यान से अभी हम सोच रहे हैं, ये यहाँ एरिया है, यहाँ पे भी यही लगा देते हैं पाम ना, क्या कहते हो? अच्छा लगेगा ऐसे, पीछे वाइट बैकग्राउंड है, बढ़िया लगेगा। तो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं अभी ये गमलों की खोज में, तेल भरवा लिया जाए गाड़ी में। ये कितना है अभी पेट्रोल का रेट जरा? 100 सेंचुरी 98.8 100 नहीं होगा। चलो भैया आगे, तो हमारे भैया हैं जिन्होंने हमारे गाड़ी में तेल भरा, वो कैमरा देख के बोल रहे हैं खुश हो गए कि भैया एक प्लीज मेरी फोटो खींच के मुझे भेज दोगे, तो भैया की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, एक फोटो खींच देते हैं। चलो भैया से पूछते हैं क्या करोगे फोटो का, यहाँ खींचनी है, क्या करोगे आप फोटो का, फोटो क्या करोगे, रिश्ते तो नहीं जाएगा आपका? अरे नहीं, मैं खींचता हूँ। तो भाई खुश हो गया बोला। हाँ। पर इतना खुश था ना, मेरे लग रहा था शादी के रिश्ते के लिए भेजनी हो भाई ने। shaadi.com पे हम इसे एकदम, उसने कैमरा देखा और एकदम ही पूछ लिया, यार फोटो ले लोगे मेरी एक? बट ऐसे लोग ना मेरे को बड़े पसंद है, मतलब जो सीधा बात अपनी ना, कोई वो नहीं, भैया ये कितने का कैमरा है, कितने का है जी, मेरी एक फोटो ले दो उससे।
हेलो जी, आप जी क्या बोला, कहाँ डालनी है? कुछ नहीं बोला, मैंने कहा घर पे लगाऊंगा। ये कौन सा कॉलेज है यहाँ? ये है श्री गुरु राम राय कॉलेज की यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं ये, अब लिखा है काफी बड़ा है ना, श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी है ना, देखो कहीं तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड पत्री बाग। आज सुबह सुबह उठ के हमने अपनी जो आज गार्डनिंग वाली कसरत की है, तो पूरा दिन ना जैसी थकावट सी रही है। नॉर्मल जब हम वॉक पे जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा नहीं होता है ना, मतलब मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये ना वर्कआउट, है ना, जिम जाने से अच्छा ही है अपने गार्डन में, अपने गार्डन में ही कसरत कर लो, बिल्कुल सही। जिम में हम इतने पैसे खर्च करे कुछ है, ये अलग ही हो गया है। तो आपको भी हम सजेस्ट करते हैं, अगर आप में से किसी ने जिम ज्वाइन कर रखा है या कोई एक्सरसाइज के लिए आप कहीं पैसा दे रहे हैं, तो आप अपने घर में एक गार्डन बनाइए छोटा सा कुछ भी, और उसी में ही रोज सुबह कभी मिट्टी भरिए कभी कुछ करिए, गार्डन का गार्डन बन जाएगा और आपकी वर्जिश की वर्जिश हो जाएगी। पूरा खजाना मिल गया हमें। आपका वैसे तो होलसेल का काम है ना? पाओ यहाँ पे भी है। तो अभी हम इतने बड़े गोदाम पे आए थे ना, आज पहली बार मेघा ने गोदाम में जाके सिर्फ 4 गमले लिए। नहीं अभी देखते हैं ना, इतनी सुंदर दुकान फाइनली मिल गई हमें, अब यहीं आते रहेंगे रोज। और यार कितना सस्ता है यार यहाँ है ना, ये वाला गमला 160 का एक पड़ा हमें, और यही अगर हम सिरामिक लेते या दूसरा लेते सीमेंट का तो 500-400 का तो होता, सिरेमिक का 400 तो होता आराम से, और ये 200 से भी कम का है एक पीस। ऑनलाइन महंगे नहीं, आजकल तो ऑनलाइन का बोलबाला है, ये है कि जिसको ऐसे फिर जिसको हिडन प्लेसेस पता है, और इसमें फिर मेहनत भी लगती है। अमेज़न में क्या है, ऑर्डर किया और चलो मेहनत yes। मुझे लग रहा था गमले लेके आएंगे सीमेंट के, फिर उन्हें पेंट करेंगे, फिर उन्हें कहीं जाके हम छत पे चढ़ाएंगे, इतने भारी है भगवान, ये तो हल्के से हैं, 2 मिनट में चढ़ जाएंगे। मज़ा आ गया शॉपिंग में आज 4 गमलों की शॉपिंग करके मज़ा आ गया चलाने। तो चलिए फिर इस वीडियो का हम यहीं करते हैं समापन, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और दिखाते हैं हम और क्या करना चाह रहे हैं अपने टेरेस गार्डन पर। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।